गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम स्पोर्ट्स जीके करेंगे, ठीक है जी। स्पोर्ट्स जीके में मैंने इम्पोर्टेंट 2020 के क्वेश्चंस लिए हैं रिलेटेड टू स्पोर्ट्स, विच कैन बी आस्क्ड इन योर एग्जामिनेशन, जो कि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है और पूछे जा सकते हैं, ठीक है जी। स्टार्ट करते हैं। जैसे कि आप इस पिक्चर में देख रहे हो कि हमारी स्पोर्ट्स से रिलेटेड इक्विपमेंट्स हैं, फुटबॉल है, ग्लव्स हैं, बैडमिंटन है, ठीक है जी, बेसबॉल है, ये सारी चीजें आपकी स्पोर्ट्स से रिलेटेड है। नेक्स्ट स्लाइड में आप देखोगे कि कैसे सारे के सारे खेल रहे हैं। अब मैं क्वेश्चन से स्टार्ट करूंगी। हमारा पहला क्वेश्चन है, टोक्यो ओलंपिक 2020 पोस्टपोन टू विच ईयर, यानी कि जो 2020 में इस साल हमारा टोक्यो ओलंपिक होना था वो किस साल पोस्टपोन कर दिया गया है। आंसर है हमारा 2021। दिस इज द लोगो ऑफ आवर टोक्यो ओलंपिक। ये जो आपको दो कार्टून्स दिख रहे हैं, पिंक एंड ब्लू, ये जो आप दो कार्टून देख रहे हैं, एक पिंक कलर में गर्ल है और एक ब्लू कलर में है, ये इसका मैस्केट है, ठीक है जी। इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं कि अगर ये इस साल नहीं हो रहा टोक्यो ओलंपिक तो दैट मीन्स ये कब होगा। ये होगा, इट इज मूव फ्रॉम 2022 जुलाई 25 2021, यानी कि अब ये अगले साल 25 जुलाई को होगा 2021 में। इसका ऑफिशियल मैस्कट है, जो ये आप ऊपर से दो पिक्चर्स देख रहे हैं, ठीक है, ये मैस्कट है, इसका नाम है मिराई तोवा सुमिति। बहुत बार क्वेश्चंस में ये पूछ लिया जाता है कि जो टोक्यो ओलंपिक्स होना है उसका मैस्कट कौन सा होगा, तो आपका आंसर आएगा मिराई तोवा सुमिति। नेक्स्ट इसमें क्वेश्चन बनता है कि ये टोक्यो ओलंपिक का कौन सा एडिशन है। दिस इज 33rd एडिशन, ठीक है जी। और ओलंपिक्स, ये जो ओलंपिक्स होते हैं ये कितने बार होते हैं, कितने टाइम पीरियड के बाद होते हैं। इट अकर्ड आफ्टर एवरी 4 years, हर 4 साल बाद ये होते हैं, ठीक है। लास्ट जो हमारा हुआ था वो ब्राजील में हुआ था। कई कबार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि लास्ट कहाँ पर हुआ था, तो आप बता सकते हैं कि जो हमारा लास्ट ओलंपिक हुआ था वो रियो डी जेनेरियो ब्राजील में हुआ था, और जो नेक्स्ट होगा 2024 में वो आपका पेरिस फ्रांस में होगा। अब आई होप आपको ये क्वेश्चन क्लियर हुआ होगा। हाँ जी, क्लियर है सबको टोक्यो ओलंपिक। मैम प्लीज रिपीट, मैम प्लीज रिपीट। ओके ओके ओके, आई रिपीट, जस्ट वेट। टोक्यो ओलंपिक 2020 हमारा पोस्टपोन किस साल तक कर दिया गया है। ये इस साल होना था, अब इसको 2021 में करेंगे। ये आपका टोक्यो का लोगो है, ठीक है, टोक्यो ओलंपिक का। और जो ये दोनों आप पिक्चर्स देख रहे हैं, ये दोनों पिक्चर्स आपके क्या है, मैस्कट है, और इस मैस्कट का नाम क्या है, मिराई तोवा सुमिति। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें बनता है कि ये जो ओलंपिक होना था ये कौन सा एडिशन है, यानी कि 33rd एडिशन, यानी कि इससे पहले जो है 32 एडिशन ऑलरेडी हो चुके हैं ओलंपिक्स के, और ये जो है 33rd है, और ये हर 4 साल बाद होता है, ठीक है। लास्ट जो होना था वो रियो डी जेनेरियो में हुआ था, ब्राजील में, और जो अगला जो होना है वो हमारा पेरिस फ्रांस में होगा। आई होप अब आपको ये क्वेश्चन क्लियर हुआ होगा। एवरीवन क्लियर? यस मैम, यस मैम, क्लियर। ओके ओके मैम। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, फर्स्ट इंडियन वुमेन हु पार्टिसिपेटेड इन ओलंपिक गेम्स, पहली कौन सी हमारी भारतीय महिला है जिन्होंने ओलंपिक गेम्स में पार्टिसिपेट करा था, वो है हमारी मैरी लीला राव। यहाँ पर जैसे कि आप पिक्चर में भी देख रहे हो, ये हमारी मैरी लीला राव है। ये पिक्चर्स एड ऑन करने का बेटा मतलब ये है कि ताकि आपको चीजें विजुलाइज करके अगर आप करोगे तो आपको इजीली याद हो जाएंगी, ठीक है, आपको याद करने में आसानी होगी। अब इसकी एक्सप्लेनेशन हम देख लेते हैं। शी वॉज बोर्न इन 1940, 1940 में इनका जन्म हुआ था, और ये पहली इंडियन स्प्रिंट एथलीट है जो कि इन्होंने कौन से ओलंपिक्स में पार्टिसिपेट करा था, 1956 में फर्स्ट ओलंपिक हुआ था, उस टाइम पे इन्होंने समर ओलंपिक्स में इन्होंने पार्टिसिपेट करा था, और ये हमारी फर्स्ट इंडियन वुमन है, पहली भारतीय महिला। क्लियर है बच्चों आपको ये क्वेश्चन? यस मैम। मैम हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है,
2019 साउथ एशियन गेम्स वॉज हेल्ड एट, 2019 में साउथ एशियन गेम हुए थे, ये कहां पर हुए थे? इसका आंसर है नेपाल में, और आप इसका लोगो देख सकते हैं, 13 साउथ एशियन गेम्स आप देख सकते हैं काठमांडू पोखरा में कहां पर हुए थे, कौन सी डेट के बीच में हुए थे, 1 से लेके 10 दिसंबर। ये पिक्चर को देख रहे हो ना आप ध्यान से? यस मैम। यस मैम। ठीक है, तो पिक्चर पे ध्यान से देखो, यहां पर लिखा हुआ 13 मैम आ रही है। ठीक है जी, ठीक है, ये 13th एडिशन है, यहाँ 13th लिखा हुआ है, जो ये 2019 में हुआ था, ये 13th एडिशन हुआ था साउथ एशियन गेम्स का, और ये कहाँ पर हुआ था, काठमांडू पोखरा में, और किस डेट के बीच में हुआ था, 1 से 10 दिसंबर के बीच में, यही है। दिस वॉज द 13th एडिशन, इंडिया वन हाईएस्ट नंबर ऑफ मेडल्स, इसमें इंडिया ने कितने मेडल्स जीते थे, 312, ये ब्लू में आप देख रहे होंगे। दिस गेम, दीज गेम्स प्लान्ड आफ्टर एवरी 2 ईयर्स। अब जो ये साउथ एशियन गेम्स हैं, जैसे कि अभी हमने लास्ट क्वेश्चन में ओलंपिक्स की बात करी थी, जो ओलंपिक्स होते हैं हमारे हर 4 साल बाद होते हैं, ठीक है, जो साउथ एशियन गेम्स होते हैं ये हर 2 साल बाद होते हैं, ठीक है। और ये साउथ एशियन गेम्स को स्टार्ट कब करा गया था, 1983 में। क्लियर है बेटा ये क्वेश्चन आपको, एवरी वन? यस मैम। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं अब हम। मैम आई हैव डाउट। यस स्पीक। मैम जैसे जो टोक्यो ओलंपिक होते हैं वो टोक्यो के हैं, तो ये जो एशियन है साउथ एशियन गेम्स ये किस कंट्री के हैं? वो बेटा जो वो टोक्यो ओलंपिक्स क्यों लिखा गया है, दैट इज ओलंपिक्स गेम, वो टोक्यो में होने थे इसलिए टोक्यो लिखा गया है कि वो टोक्यो में वो एडिशन होना था, ठीक है। तो ये डिसाइड जो इनके भी हेड्स होते हैं वो भी करते हैं, ठीक है। ये एक साउथ एशियन। मैम आई हैव अ डाउट। हां जी बोलो, क्या डाउट है? मैम मैम जब ये मैम फर्स्ट टाइम मैम 1983 में हुआ था, मैम ये कौन सी कंट्री में हुआ था? मैम ऐसे अभी तो क्वेश्चन आ सकता है ना? हाँ जी, हर तरीके से आपको ये इस तरीके का, अभी एक्चुअल में जो मैंने आपको दिया है ये मेन वो उठाया है कि जो कम्पिटिटिव, जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। अगर आपको लिस्ट चाहिए तो वो आपको, जैसे कि अभी बच्चे ने असाइनमेंट बोला या पीडीएफ है, उसके फॉर्म में आपको प्रॉपर लिस्ट दी जाएगी कि क्या क्या चीजें हैं, किस किस तरीके से, वो भी हम एक एक तरीके, एक एक टॉपिक को उठा के उसमें सारी एक्सप्लेनेशन करेंगे। अभी आज मैं सिर्फ आपको क्वेश्चंस करवा रही हूँ, और जो रेलेवेंट एक्सप्लेनेशन है, रेलेवेंट मतलब जरूरी एक्सप्लेनेशन है, वो करवा रही हूँ, ठीक है। आपको असाइनमेंट्स है या जो भी है, या टॉपिक, जो भी टॉपिक्स की आपकी रिक्वायरमेंट है ना, तो वो उसी अकॉर्डिंग ही हम आगे से प्लान आउट भी कर सकते हैं, ठीक है। क्लियर है, कोई डाउट? यस। अब हम क्वेश्चंस करें? यस मैम। Yes, ma'am. Next question है, who has been chosen as the greatest captain of IPL? यानी कि किसको greatest captain of IPL choose करा गया है इस बार? कौन है जी? ये किस किस की फोटो दिख रही है आपको? बता सकते हैं आप मुझे? हाँ जी बताओ। रोहित शर्मा। धोनी और रोहित शर्मा। धोनी एंड रोहित शर्मा। ओके वेरी गुड। धोनी एंड रोहित शर्मा। यस, आई होप ये क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया होगा। एमएस धोनी, महेंद्र सिंह। यस, एमएस धोनी एंड रोहित शर्मा। शर्मा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन भी आपको मिलेगी। हु हैज बीन ऑनर्ड विद बीसीसीआई पॉली उमरीकर अवार्ड? हु हैज बीन ऑनर्ड विद बीसीसीआई पॉली उमरीकर अवार्ड 2020? जसप्रीत बुमराह। यस, जसप्रीत बुमराह की आपको फोटो दिख रही होगी, ये हमारा बीसीसीआई का लोगो है, ठीक है जी। अब मैं बीसीसीआई से रिलेटेड इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपको दे रही हूँ। बीसीसीआई के सेक्रेटरी जो है हमारे जयशाह हैं। बीसीसीआई का फुल फॉर्म क्या है? हाँ जी, बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया। बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया, आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। हाँ जी क्लियर है? यस मैम। क्लियर है? यस मैम। जी Yes, ma'am.
ठीक 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 ओके मैम प्लीज रिपीट द फुल फॉर्म ऑफ BCCI ओके आई विल रिपीट वेट बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया ठीक है आई फॉर इंडिया दिस सी फॉर क्रिकेट दिस इज फॉर कंट्रोल दिस सी फॉर कंट्रोल एंड दिस इज बोर्ड इनके सेक्रेटरी है जैशा इनका हेडक्वार्टर है मुंबई में बीसीसीआई को कब फाउंड करा गया था December 1928 और इनके प्रेसिडेंट कौन है सीके खन्ना एंड सौरभ गांगुली क्लियर आपको ये इन्फॉर्मेशन क्लियर है मैम एक बार और रिपीट कर दीजिए ठीक है जी रिपीट कर देते हैं बीसीसीआई के जो सेक्रेटरी हैं वो जैशा हैं हेडक्वार्टर जो है मुंबई में है और ये फाउंड कब करा गया था December 1928 में और जो इसके प्रेसिडेंट हैं वो सीके खन्ना हैं और सौरभ गांगुली मैम बीसीसीआई की फुल फॉर्म बीसीसीआई की फुल फॉर्म मैंने बता दी बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया प्लीज ध्यान से अटेंटिव होके लेक्चर को सुनो एक चीज को 10 बार रिपीट करवाओगे तो लेक्चर कैसे चलेगा आगे और आप ये भी कर सकते हैं कि जैसे मैं आपको पढ़ा रही हूँ आप साइड बाय साइड नोट्स भी बना सकते हैं अपनी नोटबुक पे बैठा करो आगे से उससे क्या होगा कि आपको कैप्चर कर ले रहा हूँ हाँ जी उसमें आपको ये रहेगा कि एक तो आपको चीजें जल्दी से लर्न हो जाएंगी खुद से लिखी हुई चीजें अच्छे से याद होती है ठीक है अगर मान लो मैं PDF प्रोवाइड करती हूँ तो उस चीज की कोई गारंटी नहीं है कि आप PDF वो पढ़ रहे हो या नहीं पढ़ रहे हो अगर आप साइड बाय साइड नोट्स बना रहे हो तो उसमें ये होता है कि आपको खुद के माइंड में आ रही हैं चीजें नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हाँ जी खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2020 हेल्ड एट विच सिटी ये हमारे गुवाहाटी असम हाँ जी असम हाँ जी वो मुझे पता है आपको दिख रहा है इसीलिए आप बता रहे हो ये इसका लोगो है खेलो इंडिया यूथ गेम्स का गुवाहाटी असम 2020 का अब इसकी हम एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं कि ये हमारा जो था थर्ड एडिशन था जो इस बार हुआ था ठीक है और ये महाराष्ट्र ने जीता था इसका सेकंड एडिशन जो हुआ था वो महाराष्ट्र पुणे में हुआ था और जो इसका फर्स्ट एडिशन था वो दिल्ली में हुआ था नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका ICC अंडर 19 क्रिकेट वर्ल्ड कप वन बाय विच कंट्री अंडर 19 का क्रिकेट वर्ल्ड कप हुआ था वो किस कंट्री ने जीता है दैट इज बांग्लादेश इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल आई होप क्लियर होगी आपको ICC की फुल फॉर्म पहले क्वेश्चन दिस स्टार्टेड फ्रॉम 17 जनवरी टू 9 फरवरी 2020 ये हुआ था आपका जो ICC अंडर 19 क्रिकेट वर्ल्ड कप हुआ था ये 17 जनवरी से 9 फरवरी के बीच में हुआ था 2020 में और बांग्लादेश और इंडिया के बीच में हुआ था जिसमें कि बांग्लादेश ने इंडिया को हराया था एंड इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन ये है दिस इज द फर्स्ट वर्ल्ड कप एवर वन बाय बांग्लादेश इन एनी प्लेटफॉर्म ये पहला वर्ल्ड कप है जो बांग्लादेश ने किसी भी स्तर पे इन एनी प्लेटफॉर्म जीता है ठीक है दिस इज द इम्पोर्टेंट इन्फो रिगार्डिंग दिस नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं इन द ईयर 2020 विच ग्रैंड स्लैम वॉज कैंसल्ड मैम जैसा कि आपको पता है कि अभी कोरोना वायरस चल रहा है ठीक है कोरोना वायरस पैंडेमिक इज प्रिवेलिंग इन अवर कंट्री तो उस कारण से ये चीजें कैंसल हो रही हैं ठीक है रीजन जो है इनकी कैंसलेशन का वो यही है इस कारण से ठीक है कौन सा कैंसल हुआ था विंबलडन ओपन पहली बात तो हमें ये पता होना चाहिए कि ग्रैंड स्लैम जो है कितने टाइप्स के होते हैं 4 टाइप्स के ग्रैंड स्लैम होते हैं आप ये पिक्चर देखो ऑस्ट्रेलियन ओपन ठीक है ये आपका US ओपन ये आपका विंबलडन और एक आपका होता है फ्रेंच ओपन जो कि आपका ये है पोलैंड गैरोस आप जो पिक्चर देख रहे हैं ठीक है अब ये इधर कोर्ट वाले पे ध्यान देना बेटा ग्रैंड स्लैम कोर्ट की जो पिक्चर बनाई है ये चारों कोर्ट्स पे ये चारों ग्रैंड स्लैम खेले जाते हैं ठीक है जो ऑस्ट्रेलियन ओपन है वो हार्ड कोर्ट पे खेला जाता है बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया एग्जाम में कि ऑस्ट्रेलियन ओपन कौन से कोर्ट पे खेला जाता है विंबलडन ओपन आपका क्ले कोर्ट पे खेला जाता है जो कि आपका रेड कलर पे होता है ये इस तरीके से फ्रेंच ओपन आपका ग्रास कोर्ट पे खेला जाता है और US ओपन हार्ड कोर्ट पे ठीक है
और इस साल जो हमारा सिर्फ जो हुआ है वो सिर्फ ऑस्ट्रेलियन ओपन हुआ है 2020 में, जिसके विनर जो थे नोवाक जोकोविच थे। ठीक है, मैं रिपीट कर देती हूँ इस क्वेश्चन को, बहुत इंपॉर्टेंट है, ग्रैंड स्लैम से बहुत बार क्वेश्चंस पूछे गए हैं। पहली बात तो कौन सा ग्रैंड स्लैम इस बार कैंसल हुआ है, दैट इज विलम्बन ओपन। दूसरी चीज, चार ग्रैंड स्लैम होते हैं, ऑस्ट्रेलियन ओपन, विलम्बन ओपन, फ्रेंच ओपन, यूएस ओपन। इस साल हमारा जो हुआ था वो ऑस्ट्रेलियन ओपन हुआ था 2020 में, सिर्फ यही कंडक्ट करा गया था और इसके जो विनर थे वो नोवाक जोकोविच थे। ठीक है, ये इसके कोर्स है, ये पूछा जाता है कि ऑस्ट्रेलियन ओपन कोर्ट पे हार्ड बता दीजिए आप, आईसीसी की बताई, आईसीसी की फुल फॉर्म, हां जी आईसीसी की बताई थी, इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल मैम। अभी आप लास्ट क्वेश्चन पे ही अटके हुए हो, विलम्बन ओपन क्ले कोर्ट में, फ्रेंच ओपन ग्रास कोर्ट में, यूएस ओपन हार्ड कोर्ट में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं मैम, इंटरनेशनल ब्लैक इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल, इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हु वन आईसीसी ओडीआई क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2020 अवार्ड। आईसीसी के अकॉर्डिंग 2020 में ओडीआई वनडे इंटरनेशनल क्रिकेटर कौन चुना गया है, दैट इज रोहित शर्मा। आप पिक देख सकते हैं, रोहित शर्मा ओडीआई क्रिकेटर ऑफ द ईयर। इसमें आपको साथ में एक और पिक्चर दिखाई दे रही है, ठीक है, पैट कमिंस है, ये ऑस्ट्रेलियन प्लेयर है, ऑस्ट्रेलियन बॉलर है, इनको टेस्ट क्रिकेटर ऑफ द ईयर का अवार्ड मिला है। ठीक है जी, आईसीसी ने इनको टेस्ट क्रिकेटर ऑफ द ईयर का अवार्ड दिया है, पैट कमिंस, ऑस्ट्रेलियन बॉलर है ये। ठीक है, आपका एक और क्वेश्चन इसमें क्लियर हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, विच टीम, हाँ जी मैम, व्हाट इज ग्रैंड स्लैम? ये एक नाम है कि जो ये एक टूर्नामेंट होते हैं, ये एक टेनिस टूर्नामेंट है ग्रैंड स्लैम। ठीक है जी, आपको पता होगा कि जो ग्रैंड स्लैम होता है वो टेनिस टूर्नामेंट होता है। ठीक है, क्लियर, आई होप ग्रैंड स्लैम इज क्लियर। अब यहाँ पर बात आ रही है वुमेन चैंपियंस ट्रॉफी, हाँ जी ऑस्ट्रेलिया। आप देख रहे हैं कि जैसे कि ये टीम है लिखा हुआ भी है ऑस्ट्रेलिया कॉन्ग्रेचुलेशन, ये पिक्चर में आप देख, इंडिया के साथ हुआ था ऑस्ट्रेलिया का, यस यस यस, ऑस्ट्रेलिया यस यस। Move on to next question. I hope ये question आपको clear है. Screenshot ले लेना, जिन्होंने नहीं लिया ले लो भाई screenshot. Yes ma'am. Okay. ले लिया, next question पे चले. Yes ma'am. Yes ma'am. Yes ma'am. ले लिया. Next है, how long was Paralympics 2020 postponed? कितने टाइम पीरियड के लिए इसको पोस्टपोन कर दिया गया? अगेन इसका भी रीजन एक, वन ईयर, सुन लो सुन लो, इसका क्या रीजन है क्यों पोस्टपोन हुए हैं, कोई बच्चा बता? कोरोना वायरस के कारण, कोरोना वायरस के कारण। जी 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 बिल्कुल करेक्ट, कोरोना वायरस के कारण जी। 2021 में होंगे, अब बात ये है कि अब अगस्त में रीशेड्यूल हुआ है। द पैरालंपिक्स ओरिजिनली 25 अगस्त को होने थे, ये इस साल 25 अगस्त 2020 को होने थे, अब ये कब होंगे, अगले साल अगस्त 24 से सितंबर 5 के बीच में होंगे। ठीक है मैम, पिन वाला क्वेश्चन मैम देखा बता दीजिए मैम, नेटवर्क प्रॉब्लम हो। हाँ जी हाँ जी, क्वेश्चन है हाउ लॉन्ग वॉज पैरालंपिक्स 2020 पोस्टपोन, क्लियर है क्वेश्चन? ठीक है मैम, ठीक है, नोट कर लेंगे। इस पूरे ईयर में कितने गेम रद्द हुए हैं? अभी ये भी क्वेश्चन आ सकता है इस ईयर। हाँ जी, इस ईयर कितने गेम्स रद्द हुए हैं? नहीं बेटा, इस अकॉर्डिंग कोई क्वेश्चन नहीं आ सकता, क्योंकि अभी जो जो भी शेड्यूल्ड हुए हैं तो वो कुछ हुए हैं, कुछ हो सकता है कि ये हो सकता है कि एंडिंग में भी कंडक्ट कर सकते हैं, तो उस तरीके से मैम 10 वाला क्वेश्चन रिपीट कर दीजिए। ओके, हम इलेवेंथ क्वेश्चन, हम इलेवेंथ क्वेश्चन कर रहे थे, हाउ लॉन्ग वॉज पैरालंपिक्स 2020 पोस्टपोन, कब तक 2021 में, और ये रीशेड्यूल कब हुआ, ये इस साल 25 अगस्त को होना था,
अब ये अगले साल अगस्त 24 से सितंबर 5 के बीच में होगा। 2018 में जो ये हुआ था योंगयांग साउथ कोरिया में हुआ था, और 2022 जो नेक्स्ट होगा वो बीजिंग चाइना में होगा, ठीक है। और ये पैरालंपिक्स भी जो आपके होते हैं आफ्टर एवरी टू इयर्स होते हैं, हर दो साल बाद इन्हें कंडक्ट करा जाता है, ठीक है। पैरालंपिक्स किन के लिए होते हैं, कोई बच्चा बता सकता है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु वन द स्प्रिंट ऑफ क्रिकेट अवार्ड 2020? विराट कोहली। हाँ जी, विराट कोहली। अब इसके अंदर, इसके साथ मैं बहुत से क्वेश्चन आपके क्लियर करूंगी, जैसे कि आप पिक्चर में देख रहे होंगे ये आईसीसी अवार्ड्स हुए हैं, ठीक है। बेस्ट स्टॉक्स को, अब यहाँ पर एक एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन आपको मिल रही है, बेस्ट स्टॉक्स है, बेन स्टॉक्स कौन सी कंट्री के प्लेयर है? बेन स्टॉक्स कौन सी कंट्री के प्लेयर है बताओ? ऑस्ट्रेलिया मैम, ऑस्ट्रेलिया मैम, ऑस्ट्रेलिया मैम, ऑस्ट्रेलिया। रॉन्ग आंसर, रॉन्ग आंसर। बेन स्टॉक्स न्यूजीलैंड टू ऑस्ट्रेलिया, बेन स्टॉक्स बिलोंग्स टू इंग्लैंड, इंग्लैंड। ओके, इनको मिला है क्रिकेट ऑफ द ईयर अवार्ड बेन स्टॉक्स को। विराट कोहली जैसे कि मैंने बताया स्प्रिंट ऑफ क्रिकेट, रोहित शर्मा यहाँ पर अगेन आपका रिवीजन हो जाएगी, वनडे क्रिकेटर ऑफ द ईयर मिला उन्हें, पैट कमिंस टेस्ट क्रिकेटर ऑफ द ईयर। आपके रिवाइज भी हो गए हैं इसमें, ठीक है, रिवाइज भी हो गए और एडिशनल इन्फॉर्मेशन भी आपको मिल गई। बेन स्टॉक क्रिकेटर ऑफ द ईयर, स्क्रीनशॉट ले लो इसका भी। मैम ले ली, मैम ले लिया, ठीक है। मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज बीन, अब ये एक अपॉइंटमेंट हुई है recently, who has been appointed the new chairman of Indian Paralympic Committee? जो Indian Paralympic Committee है इसके chairman कौन है? दीपा मलिक, ये है इनकी फोटो, ठीक है जी। क्वेश्चन आ सकता है स्पोर्ट्स में, ये क्वेश्चन इस तरीके से डाल सकते हैं कि रिसेंटली जो इंडियन पैरालंपिक कमेटी की चेयरमैन कौन बनी है, तो आपका आंसर होगा दीपा मलिक, दीपा मलिक। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाओ, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, ध्यान से देखना। हु हैज बीन चूजन बाय द ओलंपिक काउंसिल ऑफ एशिया एज द मैस्कट ऑफ द 19th एशियन गेम्स टू बी हेल्ड इन 2020? यानी कि 2022 में 19th एशियन गेम्स होंगे, ठीक है, तो जो ओलंपिक काउंसिल ऑफ एशिया है उन्होंने उसका मैस्कट क्या चूज करा है, ठीक है, क्वेश्चन क्लियर है? मैं रिपीट कर देती हूँ इस क्वेश्चन की हिंदी, 19th एशियन गेम्स 2022 में होंगे, तो ओलंपिक काउंसिल ऑफ एशिया ने इन गेम्स के मैस्कट किसको चूज करा है? थोड़े से अजीब नाम है बट लर्न करने में आसान होंगे क्योंकि रिपीट हो रहे। बता दूं मैम? हाँ हाँ, हाँ जी, हाँ जी, बता रही हूँ मैं आपको। ये देखो, कोंग कोंग कोंग, ये देख रहे हो, कोंग 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 लर्न कर लो, उसके आगे एक और कोंग लगा देना, देन लिन ल्यून, लिन लियानू, लिन एल आई ए एन, अगेन दोबारा आप एल आई ए एन लिख लेना, उसके आगे यू लगा देना, देन थर्ड है चैन चैन, उनका मैस्कट क्या है? कोंग कोंग, लिन लियानू एंड चैन चैन। अब मैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स बता रही हूँ एशियन गेम्स के रिगार्डिंग। एशियन गेम्स को हम एशियाड भी बोलते हैं, ठीक है। अब जैसे कि हमारे ओलंपिक्स हर चार साल बाद होते हैं, वैसे ही आपके एशियन गेम्स भी हर चार साल बाद होते हैं, ठीक है। द कंट्रीज हु कम्स अंडर एशिया, यानी कि हमारे एशिया में जितनी भी कंट्रीज आती हैं, इनको वही कंट्रीज पार्टिसिपेट कर सकती हैं, ओनली दोस कंट्रीज टेक पार्टिसिपेट इन इट हु कम्स अंडर इट। नेक्स्ट इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एशियन गेम्स कब इनोग्रेट हुए थे, कब, मतलब ये इसका फर्स्ट सबसे पहले कहां पर हुआ था? 1951 में ये स्टार्ट हुए थे न्यू दिल्ली में। अब जो ये ब्लू में आप देख रहे हो ये इंपॉर्टेंट है, 2018 में जो हुए थे वो जकार्ता इंडोनेशिया में हुए थे, ठीक है जी। 2022 के जो है, जो ये मैं बता रही हूँ 19th एशियन गेम 2022, ये होंगे कहाँ? इसका एक और आंसर,
2022 में ये होंगे चाइना में, हुआंगजू में, ठीक है, हुआंगजू चाइना में होंगे ये 19th एशियन गेम्स नेक्स्ट। और जो 2026 चार साल बाद होंगे वो नगोया जापान में होंगे। कितने फैक्ट्स इसमें क्लियर हो गए हैं, ठीक है। मैं एक बार रिवाइज करवा देती हूँ इस क्वेश्चन को, ठीक है। हमारे टेन का मैम, टेन वाले क्वेश्चन का मैम आंसर बता दीजिए, मैम आंसर नहीं बताया आपने। टेंथ का आंसर क्यों नहीं भाई, आंसर सबके बता रही हूँ। क्वेश्चन क्या है टेंथ का मैम? ऑस्ट्रेलिया बेटा आंसर, ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया है आंसर उस क्वेश्चन का। मैम फर्स्ट टू फोर्थ मैम वन से पांच तक बता दो मैम। हाँ जी मैम वन से बस एक एक क्वेश्चन रह गया, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लिया? यस मैम। लास्ट क्वेश्चन है ये, वुमेन्स फीफा वर्ल्ड कप 2019 हेल्ड एट विच कंट्री? वुमेन फीफा वर्ल्ड कप 2019 किस कंट्री में हुआ था? फ्रांस में। अब इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स फटाफट एक बार देख लेते हैं हम। ये जो फीफा वर्ल्ड कप 2019 में हुआ था ये 8th एडिशन था। ये स्टार्ट हुआ था कब? 1991 में, 1991 में इसको स्टार्ट करा गया था और उस टाइम पे चाइना में हुआ था, ठीक है। अब इंपॉर्टेंट फैक्ट इसका क्या है कि यूएसए ने चार बार जीता है ये वुमेन फीफा वर्ल्ड कप। सबसे ज्यादा किस कौन सी टीम ने आज तक जीता है? दैट इज यूएसए। यूएसए वन फोर टाइम्स। जो 2019 में है वो भी यूएसए ने ही जीता था, दैट वाज फोर्थ टाइम। उससे पहले यूएसए तीन जीत चुका है। अब इसका फीफा वर्ल्ड कप, फीफा वर्ल्ड कप होता है बेटा फुटबॉल से रिलेटेड होता है ये, ठीक है। इसमें इंपॉर्टेंट जो इनके पॉइंट्स होते हैं, गोल्डन बॉल किसको मिला है? मैगन रिपनोए को 2019 में। गोल्डन बूट किसको मिला है? अगेन मैगन रिपनोए को मिला है। गोल्डन ग्लव जो मिला है 2019 में सैरी विनेडलकर। इसका स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट। मैम ले लिया है, ले लिया है। फोर क्वेश्चन दिखा। हाँ जी मैम, फर्स्ट मैम पांच का भी दिखा देना, ठीक है। आई होप आपको सारे क्वेश्चन क्लियर हो गए। मैं आपको दिखा देती हूँ, मैम दिखा रही हूँ। मैम पांच का भी दिखा देना। ओके थैंक्स स्टूडेंट्स, ठीक है। इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस करें हमारी न्यू वीडियो सबसे पहले देखने के लिए।